Vishnu! Vishnu! आप हैं। सपने में भी विष्णु दिखाई देता है। विष्णु चला गया है एजेंसी में फोन करके किसी और का बंदोबस्त करो। और ये तो मशीन के साथ क्या लगा रहता है, बाहर जाओ खुली हवा में दौड़ो। नाश्ते में पराठे हैं, साथ में चाय लेंगे कि दही? ऑफ कोर्स दही भाई। हेलो हेलो आकाश, हेलो जी। बाय लागू पापा जी, आई एम हियर। हेलो, आप लाइन पे हैं ना? मैं तो लाइन पर ही हूँ बेटा जी, आप ही लाइन से डिलीवरी हो गई है। दिल्ली को घर बोलती थी बेटा तू। इतनी खट्टी दही। आप फिर से दही खा रहे हैं ना? विष्णु का बच्चा कहाँ है इडियट? उसे बुलाई तो जरा फोन पे। विष्णु भी चला गया बेटा। आकाश है क्या वहाँ? उसे तो पता है ना, फ्रिज पे सारे नोट्स लगा के आई हूँ मैं। पापा जी आप अपना ख्याल रखिए प्लीज। आज तारीख है ना? जी मैं लेट ही हो रहा हूँ, आप नाश्ता कीजिए, मैं तैयार होता हूँ। गुड 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 मॉर्निंग साहब। ये गाड़ियां ऐसे कैसे लगी हैं? दुकान क्या लगी हुई है गाड़ियों की? कपूर साहब का है साहब जी। क्यों, डॉक्टरी छोड़कर क्या रीसेल बिजनेस चालू कर दिया? नहीं साहब जी, वो तो दो हफ्ता हो गया, हमेशा के लिए परिवार के साथ पुणे शिफ्ट हो गए। चल गाड़ी निकाल। अरे कहाँ था यार, जल्दी साइन कर। अगर थोड़ा और लेट होता ना तो दूसरी डेट मिल जाती। आई लेफ्ट चिंटू विद मौसी बैक इन देहरादून फॉर दिस। आई एम ऑल अलोन मेगा। आकाश आज अगर जजमेंट नहीं होती ना तो मैं दोबारा वापस नहीं आने वाली। यार यू विल नेवर अंडरस्टैंड। रियली आई डोंट अंडरस्टैंड। मेघा गुप्ता, आकाश त्यागी। हाँ जी, एक एक करके मास्क निकाल के अपनी शक्लें दिखाओ, नहीं तो लॉयर कौन है क्लाइंट कौन है पता ही नहीं चलना। मेरी क्लाइंट मेघा गुप्ता अपने 9 साल के बेटे के साथ पिछले 6 महीने से देहरादून शिफ्ट हो गई है। योर ऑनर, मेरी फाजिल दोस्त की क्लाइंट अपना घर छोड़कर बच्चे को लेकर भाग गई है। कैन यू यूज लीगल लैंग्वेज? ओए जहर बिलाएगा। मैडम वो ताजी हवा खाने के लिए जरा तो पार्क में जाके बैठना, यहाँ क्यों बैठा है? सॉरी मैडम। हाँ जी, पिछले 6 महीने से लीगल सेपरेशन हो चुका है। आपके पति मारते हैं आपको? नो। विस्की, टॉवल ऑन द बेड? नो योर ऑनर। तो फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शफेयर? एक्स्ट्रा मैरिटल? योर ऑनर जस्ट लुक एट हिम, कितना कैलस और लेथार्जिक दिखता है, मतलब सेक्स भी शायद महीने में एक ही बार। क्या बात कर रही हैं आप? माय क्लाइंट इज एब्सोल्युटली फिट। अब ये जिम सिम भी करते हैं, वो दौड़ लगाते हैं ये क्या क्या किलोमीटर तक पट्टे पर, वो डाइट, कौन सी डाइट है वो, कीटो डाइट, वो भी शुरू कर दी है। ही इज कंसर्न अबाउट हिज फैमिली हेल्थ। आपको कुछ कहना है आकाश जी? मैम कोई अपना पुश्तैनी घर और बड़े बुजुर्गों को छोड़कर कहाँ जाता है मैम? इवन इफ द फैमिली इज एट सीरियस रिस्क। रिस्क? राइट आकाश? कौन सा रिस्क मेगा जी? रिस्क तो है, बहुत सीरियस रिस्क है फॉर हिज सन एंड हिज फादर। आप डिवोर्स करा के छोड़ोगे? मैं जरा आपके क्लाइंटों की सुन लूं। हाँ जी, क्या कह दिया उसको जो चली गई? I don't know, ma'am. He's not aggressive with me or with Chintu, and we had a healthy relationship. तो फिर आप घर छोड़ के भाग गए वहीं? मैडम ये चाहती हैं कि हम सब के सब इनके साथ देहरादून शिफ्ट हो जाएं, पर एक कैसे? आप इनको डिफेंड कर रही हैं? ये दारू पी के आपको मारते नहीं है, यहाँ पे क्या कबड्डी चल रही है? मैंने ना नेक्स्ट डेट दे देनी है। प्लीज योर ऑनर। एक मिनट, मेरी बेटी का कॉल है। हेलो बेटा जी, मैं ना सेशन में हूँ, व्हाट हैपेंड? क्या मन नहीं लग रहा?
बेटा जी नेटफ्लिक्स देखो, अमेजॉन देखो, बिना एक दिन ऐसा आना है कि हॉस्टल से घर आने का आपका मन ही नहीं करना। दिवाली पर दिल्ली कौन आता है? बेटा जी मैं और पापा जी आ जाएंगे आपको मिलने, ठीक है? चलो फिर, आई एम हैंगिंग, बाद में करते। ओके मैम, आई मीन योर ऑनर, आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? चलो जी, आप भी कर लो। आपने अपनी बेटी को दिवाली में घर आने से मना क्यों किया? आपको दिल्ली के हालात नहीं पता है क्या हैं? इसीलिए मैंने भी, आई हैव अ 9-year-old सन, कैन यू इमेजिन द रिस्क टू हिज हेल्थ? आप मैडम जी मुद्दे पर आइए, कम टू द केस। बट दिस इज द केस योर ऑनर। लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि एक बेटा अपने बुजुर्ग बाप को छोड़कर कैसे जा सकता है, वो अपने कर्तव्य से कैसे भाग सकता है, ये बताइए आप। योर ऑनर, आप इनसे ये पूछिए कि बच्चे का क्रिकेट खेलना इन्होंने क्यों बंद करवाया? तबीयत खराब हो गई थी और अस्थमा के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगे थे। एग्जैक्टली। देखिए मैडम जी, घर में एक बड़ा सा स्क्रीन लगाकर उस पर वो लाइव सा दिखने वाला वो खेल, वो जो खेलते ना ऐसे जैसे लगता है कि वो आप मैदान में खेल रहे हो, वो लगा के दिया था। किसने दिया था? योर ऑनर, जिस बच्चे का ड्रीम है इंडियन क्रिकेट टीम ज्वाइन करना, उसको आप मतलब डिजिटल स्टिक दे के टीवी के सामने घर पे बिठा देते हो। दैट्स योर सेंस ऑफ पेरेंटिंग आकाश? हाँ है। यस मैम, यही मेरी पेरेंटिंग है। He wants to be a cricketer, he will be a cricketer. और उसके पास ना बहुत टाइम है क्रिकेट प्रैक्टिस करने का। लेकिन मेरे पिताजी, योर ऑनर, ही इज 72 years old. मॉर्निंग वॉक के उनके दोस्त और कॉलोनी के जनरल स्टोर के मिश्रा जी, पता नहीं वो ये सब कितने दिन देख पाएंगे। और वॉट अबाउट योर सन्स लंग्स, डू यू केयर फॉर दैट? एक मिनट, डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या हैं? मैं ये डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई विल वेट। वेट? वेट फॉर वॉट आकाश? लुक एट पापा जी डिटीरियरेटिंग हेल्थ। योर ऑनर, पिछले साल दिवाली में पापा जी और चिंटू दोनों को मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था एक साथ। यू नो हाउ मेनी पीपल इन द सिटी डाई एवरी डे ड्यू टू पोल्यूशन? मेरे बच्चे को एस्थमा है एंड इट्स बिकमिंग क्रोनिक बाय द डे, एंड मैं उसके और सफर करने का वेट नहीं कर सकती। योर ऑनर, एंड एज अ मदर आई हैव अ राइट। काम डाउन मेगा जी। अरे आपने खुद अपनी बेटी को दो दिन भी दिल्ली आने नहीं दिया, व्हाई? क्या मैं, shall I leave my son to die? देखिए फैमिली कोर्ट है, लेकिन हर वक्त यहाँ डिवोर्स ही कराए जाए जरूरी नहीं। चलो इसके बॉटम पे चलते हैं, ठीक है? आपके पास कितनी गड्डियाँ आकाश जी? मैम चार। एक गड्डी जो है ना 28,000 किलो कार्बन छोड़ती है अपने लाइफ टाइम में, पता है आपको? मेरे को देखो, गवर्नमेंट की गड्डी होने के बावजूद मेरा, ये देखो मेट्रो में आती हूँ, तो एक गड्डी रखो ना इमरजेंसी के लिए। और मेगा जी, पोल्यूशन का सॉल्यूशन डिवोर्स नहीं होता। आप आज ये शहर छोड़ के जाएंगी, देहरादून में जाके आपने चार गड्डियाँ ले लेनी है, फिर मतलब आप हिमालय पे भी चले जाएंगी ना, तो भी पोल्यूशन ने आपका और आपके बेटे का पीछा नहीं छोड़ना। तो दिल्ली छोड़ने से अच्छा अगर आप यहाँ रह के गड्डियाँ कम कर देती तो पोल्यूशन कितनी कम हो जाती। आप लोग खबर पढ़ते हो? लेटेस्ट मीटरोलॉजिकल डेटा के मुताबिक पोल्यूशन पॉइंट बाय पॉइंट जो है कम हो रही है हर साल। अगर आप दोनों में प्यार है ना, तो इकट्ठे मिलके पोल्यूशन भी कम हो जानी है। रिश्ता नहीं, हवा बदलो। 6 महीने का और कूलिंग पीरियड दे रही हूँ, इस बीच शायद हवा बदल जाए। क्यों जी?